हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। इस वीडियो में हम बात करेंगे गोरखालैंड की जो मांग है वो कितनी जायज़ है। अभी जम्मू कश्मीर के विभाजन के बाद गोरखालैंड के लिए जो मांग है वो तेज़ हो गई है। इतना ही नहीं, जो बोडोलैंड या विदर्भ, इन सब के लिए भी मांगें उठने लगी हैं। तो देखते हैं ये इशू को डिटेल में। पहले आप यहाँ पर मैप देख सकते हैं, ये मैप है एस्पिरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया का, यानी भारत के बहुत सारे संगठन हैं जो अलग अलग एरियाज़ के लिए अलग अलग स्टेट्स की मांग कर रहे हैं। तो ये उसका मैप है। जैसे आप देख सकते हैं, असम में बोडोलैंड की मांग हो रही है कि बोडोलैंड को एक अलग राज्य बना दिया जाए। ये जो पिंक कलर में है, यह है गोरखालैंड, सिक्किम के एकदम नीचे। इसको मैं अभी दिखाऊँगा डिटेल में। फिर यहाँ पर विदर्भ की मांग हो रही है, जिसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश का एरिया है मेनली। गुजरात में सौराष्ट्र की मांग हो रही है अलग से। राजस्थान में मरु प्रदेश, उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्से हैं जिनको अलग अलग राज्य की मांग हो रही है, चार में डिवाइड करना, बुंदेलखंड, पूर्वांचल, अवध और हरित प्रदेश इत्यादि। तो बहुत सारे, एक जिसे बोलते हैं ना स्टेट्स इन वेटिंग, कि ये वेट कर रहे हैं कि ये कब राज्य बने। तो गोरखालैंड जो है, ये भी एक डिमांड है कि हमें गोरखालैंड चाहिए और ये वेस्ट बंगाल से अलग एक राज्य चाहिए, राइट। तो गोरखालैंड में कौन कौन से राज्य होंगे, इसके लिए पहले आपको बंगाल का मैप समझना होगा। ये है बंगाल का मैप, राइट। इसमें जो सबसे ऊपर आ जाइए, यहाँ पे जो ये हिल्स वाला एरिया है, ये जो वन लिखा है ये है दार्जिलिंग, और ये 20 जो लिखा है ये है कलिम्पोंग। और ये पहले पूरा एक ही जिला था, ये पूरा एक ही जिला था। 2017 में जो दार्जिलिंग है उससे अलग करके कलिम्पोंग को एक अलग जिला बना दिया गया। तो कलिम्पोंग बहुत ही लेटेस्ट जिला बना है बंगाल का। तो ये पूरा एक ही था, यानी कि हम कलिम्पोंग को भी एक बार दार्जिलिंग में इंक्लूड करते हैं। और यहाँ पे इसको मैं जूम करके दिखाता हूँ, तो ये है दार्जिलिंग और ये है कलिम्पोंग। इसके अलावा ये कुछ एरिया है जो जिन्हें बोलते हैं फुटहिल्स, जो पहाड़ों के फुटहिल्स हैं, जिस तरह उत्तर प्रदेश में हम देखते हैं कि जो तराई का इलाका है जिन्हें फुटहिल्स ऑफ हिमालय बोला जाता है, उसी तरह से बंगाल में इनको द्वार बोला जाता है, द्वार। तो ये एरिया है पूरा जो गोरखालैंड में होगा, दार्जिलिंग, कलिम्पोंग और ये छोटा छोटा एरिया यहाँ पे द्वार का, जो पहाड़ों की ढलान जिन्हें बोलते हैं, ये वो एरिया है द्वार। तो ये होगा गोरखालैंड के अंदर अगर ये बनता है तो। तो गोरखालैंड की जो डिमांड है ये किस बारे में है? देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए कि गोरखालैंड की जो डिमांड है ये भारत से अलग होने की नहीं है। ये खालिस्तान की तरह नहीं है या किसी और उसकी तरह नहीं है, दूसरे जो राज्य मांग कर रहे हैं। दिस इज नॉट सेसेशन फ्रॉम इंडिया, राइट। ये भारत के ही संविधान और भारत के ही ज्योग्राफी के अंदर रहकर एक अलग राज्य बनाने की मांग है, राइट। तो इट इज नॉट अबाउट सेपरेशन फ्रॉम इंडिया। तो ये मांग जो है वो, जैसे कुछ कश्मीरी बोलते थे कि अलगाववाद की मांग या खालिस्तान में एक अलगाववाद था, ये उस तरह की मांग नहीं है। ये भारत के अंदर ही रहना चाहते हैं, भारतीय हैं, भारतीय होने पर गर्व करते हैं ये लोग, लेकिन ये चाहते हैं कि हम एक अलग राज्य बना दें, हमें बंगाल का हिस्सा नहीं बनना। बस इनका ये है कि हमें बंगाल का हिस्सा नहीं बनना। ये जो मांग है ये एक्सेप्टेंस की मांग है कि अगर हम एक अलग राज्य होगा तो हमारी एक सांस्कृतिक पहचान जो हमसे आज तक छीनी गई वो वापस आ जाएगी। तो ये उसकी मांग है, एक्सेप्टेंस। गोरखाज जो है वो चाहते हैं भारत में एक्सेप्टेंस। गोरखाज कौन है? गोरखाज भारत के नागरिक हैं जो नेपाली मूल के हैं। याद रखिए, नेपाली मूल के हैं लेकिन ये इंडियन सिटीजन्स हैं। थोड़ा सा आपको मैं बैकग्राउंड दे देता हूं इसका। नेपाल का जो एम्पायर था, नेपाली किंगडम, 17वीं और 18वीं शताब्दी में वो पूरे हिमालयाज वाले एरिया में फैला हुआ था। 1777 में नेपाल के अंदर सिक्किम भी आ गया था और साथ में कुमाऊं, गढ़वाल और कांगड़ा। आज की तारीख में कुमाऊं और गढ़वाल उत्तराखंड में है और कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में, लेकिन उस वक्त नेपाल ने इनको भी कंक्वर कर लिया था। उसके बाद नेपाली जो साम्राज्य था वो बहुत फैल चुका था। ऐसा माना जाता है कि तीस्ता नदी से लेके सतलुज नदी तक जो है वो नेपाली साम्राज्य फैल चुका था। लेकिन उसके बाद आप जानते हैं अंग्रेज आ गए थे भारत में और अंग्रेजों का साम्राज्य था, तो एंग्लो नेपाल वॉर हुआ अंग्रेजों के बीच में, ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में। इसके बाद नेपाल को अपने जो ये सारे जीते हुए एरिया थे ये छोड़ने पड़े और अंग्रेजों को देने पड़े। इसको बोलते हैं सुगली संधि, सुगली संधि। ये साइन हुई थी 4 मार्च 1816 को। 1907 में जो हिलमैन एसोसिएशन है उन्होंने सबसे पहली बार मांग रखी कि हमें जो है अलग से एडमिनिस्टर्ड एरिया चाहिए जो बंगाल से बिल्कुल अलग होगा।
1929 में कुछ और गुट हैं जैसे कि गोरखा ऑफिसर्स एसोसिएशन, कुरसोंग गोरखा लाइब्रेरी, इन सब ने मिलकर इस मांग को तेज किया। 1935 में दार्जिलिंग जो है वो बंगाल का हिस्सा बना था, वेस्ट बंगाल प्रेसिडेंसी बोलते थे उसे, और ये सिर्फ इसलिए किया गया था जिससे बंगाल में शासन करना आसान हो, क्योंकि बंगाल में दार्जिलिंग जो है उसको एडमिनिस्टर करना बंगाल से ज़्यादा आसान था कंपेयर टू बिहार के भागलपुर से। 1941 में दोबारा फिर मांग उठी कि दार्जिलिंग जो है हमें अलग चाहिए, बंगाल से अलग चाहिए। इसके बाद ये मांगे कई बार हो चुकी हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं इसके अंदर जो आपको समझनी है। जैसे फॉर एग्जांपल 1965 से लेकर 71 तक और 71 के बाद भी बहुत सारे जो बांग्लादेशी हैं वो भारत के अंदर आए, ये सारे इल्लीगल इमिग्रेंट्स हैं। इनकी वजह से बंगाल में बांग्लादेशी जो हैं वो बढ़े और जो गोरखाज हैं उनकी कल्चरल आइडेंटिटी को दबाया गया, गोरखाज का दमन किया गया। ना सिर्फ गोरखाज का बल्कि कमतापुरी, राजवंशी, भूटियाज, जो भी दूसरे वहाँ पे समुदाय हैं उन सबको भी मार्जिनलाइज किया गया। तो गोरखालैंड की जो डिमांड है वो किस बारे में है कि हम हमारी आइडेंटिटी, हमारा कल्चर, हमारा इतिहास, हमारी परंपराएं, हमारा जो दार्जिलिंग के साथ एक विशेष लगाव है उस सबको प्रोटेक्ट करें। कई लोग ये बोलते हैं कि गोरखालैंड जो है उनके पास अगर वो अलग हो जाता है तो उनके पास रेवेन्यू कहाँ से आएगा। आपको बता दूं कि दार्जिलिंग जो है, दार्जिलिंग कलिम्पोंग दोनों को अगर मिला के बात करें तो यहाँ पे टूरिज्म बहुत अच्छा है, चाय के बागान हैं यहाँ पे, हाइड्रो पावर की पोटेंशियल है यहाँ पे, तो ये एक सेल्फ सस्टेनिंग हो सकता है अगर हम एक्सपर्ट्स की बात माने कि, तो इनके पास सफिशियंट रेवेन्यू के सोर्सेज हैं। इनफैक्ट जो दार्जिलिंग से रेवेन्यू कलेक्ट होता है, चाहे वो चाय के बागानों से हो चाहे वो टूरिज्म से हो, वो बंगाल के दूसरे पार्ट्स को डेवलप करने के लिए इस्तेमाल होता है, और आज दार्जिलिंग जो है वो काफ़ी रिलेटिवली उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। बंगाल के ऊपर एक बहुत लंबे समय तक राज रहा कम्युनिस्ट पार्टी का। 1952 में जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उन्होंने एक रेजोल्यूशन साइन किया, एक रेजोल्यूशन ये था कि हम दार्जिलिंग को स्वायत्तता दे देंगे यानी ऑटोनॉमी दे देंगे। दार्जिलिंग जो है उसमें दो वायलेंट मूवमेंट भी हुए हैं। एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है सुभाष घिसिंग, इन्होंने एक संगठन बनाया गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट। इन्होंने 1986 में हथियार उठा लिए और कोशिश की कि हम शक्ति से गोरखालैंड ले लेंगे। इसमें 1200 लोग मारे गए थे, आपको बता दूं बहुत ही हिंसक हो गया था ये आंदोलन। उसके बाद एक पीस डील साइन हुई, जो उस वक्त बंगाल के मुख्यमंत्री थे ज्योति बसु, 1988 में एक पीस डील साइन हुई जिसमें इनको पार्शियल ऑटोनॉमी दी गई, पार्शियल ऑटोनॉमी। लेकिन पार्शियल ऑटोनॉमी से खुश नहीं थे लोग, लोगों को गोरखालैंड ही चाहिए था। तो सुभाष घिसिंग जो है ये बहुत ज़्यादा एक गर्मपंथी नेता माने जाते थे, तो फिर इन्होंने इनके जो मेथड्स थे वो काम नहीं कर पाए। अभी पिछले 12 साल से जो इनके नेता हैं गोरखालैंड के, जो सबसे कद्दावर नेता उभर के आए हैं वो हैं गोरखा जनमुक्ति मोर्चा, गोरखा जनमुक्ति मोर्चा पार्टी इन्होंने बनाई 2007 में। इनका नाम है बिमल गुरुंग और ये थोड़े से गांधीवादी हैं, इन द सेंस कि ये पीसफुल मूवमेंट में विश्वास रखते हैं। हालांकि हमने देखा, तेलंगाना में देखा या हमने भारत के दूसरे एरियाज में देखा कि कोई भी आंदोलन सिर्फ एक समय तक ही पीसफुल रह पाता है, फिर भी बिमल गुरुंग का जो आंदोलन है वो काफ़ी हद तक पीसफुल रहा। 2017 में आखिरी आंदोलन हुआ था बहुत बड़े लेवल पर, जब लगभग 100 दिनों के लिए पूरा दार्जिलिंग लॉकडाउन था और ममता बनर्जी जो है वो बिल्कुल भी उन्होंने एग्री नहीं किया गोरखालैंड के लिए। तो पिछले 12 साल से बिमल गुरुंग जो है ये नेतृत्व कर रहे हैं गोरखालैंड के जो आंदोलन है उसका। इनकी जो इन्होंने पार्टी बना रखी है उसका नाम है गोरखा जनमुक्ति मोर्चा। अब कुछ मैं आपको आर्ग्यूमेंट्स बताता हूं कि जो गोरखालैंड के खिलाफ, यानी गोरखालैंड बनने में क्या अड़चनें आ सकती हैं या गोरखालैंड क्यों नहीं बनना चाहिए, इसमें क्या दलीलें हैं लोगों की। देखिए, सबसे पहली तो ऑब्वियस है कि इससे एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। आज लद्दाख यूनियन टेरिटरी बन गया है, लद्दाख अलग हो गया है, उसी तरह से बोडोलैंड, बुंदेलखंड, सौराष्ट्र, कार्बी आंगलोंग, विदर्भ, कूच बिहार, तो एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। अगर हम बिल्कुल ही छोटे छोटे राज्य इस तरह के बनाने लगें तो भारत में 1000 राज्य बन जाएंगे, तो एक चेन रिएक्शन इससे स्टार्ट हो सकता है। दूसरा यह है कि बंगाल का विभाजन ऑलरेडी 2 बार हो चुका है और हमने देखे थे उसके परिणाम, कि बंगाल का विभाजन पहले हुआ था 1905 में लॉर्ड कर्जन ने जब किया था, फिर 1947 में हुआ था जब ईस्ट बंगाल बना था जिसे हम आज बांग्लादेश बोलते हैं, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा एक धार्मिक सद्भावना जो है वो कुचली गई, लोग मारे गए, ब्लडशेड हुआ, खून बहा, लोग जो है उनका स्थानांतरण हुआ, ये सब चीज़ें हुई, तो इससे बंगाल जो है लोग ये फियर करते हैं कि दोबारा अनस्टेबल हो सकता है।
तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी। ज़्यादातर जो पार्टीज़ हैं इसमें वो डबल स्पीक करती हैं, मतलब वो क्लियरली अपना स्टैंड इस पर नहीं रखती। एक ही पार्टी के कई कई नेता कुछ हाँ बोलते हैं, कुछ ना बोलते हैं, कभी उनको उनके लिए बोर्ड बना दिए जाते हैं, यानी छोटे छोटे एक तरह से लॉलीपॉप दे दिए जाते हैं, लेकिन जो जो महीन मुद्दा है उस पर कोई पार्टी अपना एक प्रॉपर स्टैंड नहीं लेती। हाँ, ममता बनर्जी ने अपना स्टैंड लिया हुआ है, उनके एग्जैक्ट वर्ड ये हैं, हिल्स एंड प्लेन्स आर लाइक टू सिस्टर्स, यानी कि जो पहाड़ हैं और जो मैदान है वो दो बहनों की तरह है। ममता बनर्जी बिल्कुल गोरखालैंड के खिलाफ हैं, वो गोरखाज और बंगालीज उनको आपस में एक साथ देखती हैं, उनको एसिमिलेट करके देखती हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी क्यों है। देखिए, यहाँ पे जो विधानसभा की सीट है वो बहुत कम है, लोकसभा की तो सिर्फ एक ही सीट है, तो ऐसे में अगर आप दार्जिलिंग को हार भी जाते हैं, मान लीजिए, क्योंकि अगर आपने दार्जिलिंग अलग कर दिया बंगाल से, आपने गोरखालैंड बना दिया मान लेते हैं, या दार्जिलिंग को यूनियन टेरिटरी बना दिया, तो इससे बंगाल में वो पार्टी अनपॉपुलर हो सकती है। और बंगाल आप जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है, वहाँ पे तो पूरे बंगाल में लोकसभा और विधानसभा की सीट बहुत ज़्यादा है, तो कोई भी पार्टी सिर्फ दार्जिलिंग को खुश करने के लिए बंगाल को नाराज नहीं करना चाहेगी। एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि रेवेन्यू बहुत ज़्यादा आता है दार्जिलिंग से, दार्जिलिंग से चाय और पर्यटन का जो रेवेन्यू है बहुत ज़्यादा है, और ये बंगाल सरकार खोना नहीं चाहती। अगर दार्जिलिंग एक अलग यूनियन टेरिटरी बन गया या गोरखालैंड बन गया मान लीजिए, तो ये रेवेन्यू जो है वो बंगाल खो देगा। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट रीज़न ये भी है कि जो जो पार्टीज़ गोरखा आंदोलन का नेतृत्व कर रही हैं उनमें खुद ही आपस में इन फाइटिंग है, कई बार एक ट्रस्ट डेफिसिट देखा जाता है। जैसे पहले सुभाष घिशिंग जो थे उनका GNLF और आज बिमल गुरुंग का GJM, उनमें भी एकजुटता कई बार देखने को नहीं मिलती। कई बार सरकार भी डिवाइड एंड रूल करती है, जैसे ममता बनर्जी ने अलग अलग जो समुदाय हैं उनके लिए डेवलपमेंट बोर्ड बना दिए थे, क्योंकि ये जो एरिया है दार्जिलिंग और कलिम्पोंग वगैरह, इनमें सिर्फ गोरखाज ही नहीं रहते, इनमें और भी समुदाय रहते हैं, जैसे लेपचा, तमांग, राय, शेरपा, भूटिया, मांगार। तो ममता बनर्जी ने इन सभी समुदायों के लिए अलग अलग बोर्ड बना दिए, तो एक तरह से ये बोर्ड बनाने से ये है कि ये लोग खुश हो जाएं, कम से कम ये तो गोरखाज का समर्थन ना करें, तो एक तरह से इसको डिवाइड एंड रूल भी देखा जा रहा है। इनफैक्ट तृणमूल कांग्रेस ने जो चुनाव में उतारा था पिछली बार नेता सिलीगुड़ी से, सिलीगुड़ी जो बेल्ट है पूरी, वहां पे भाईचुंग भूटिया को उतारा था, जो गोरखा नहीं है, जो भूटिया समुदाय से आते हैं। खैर, वो चुनाव हार गए थे, वो एक अलग बात है। एक और आर्ग्यूमेंट दी जाती है गोरखालैंड के खिलाफ कि इसका जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो बहुत छोटा है, क्या इतना छोटा राज्य होना चाहिए। अगर आप देखें 2011 सेंसस के हिसाब से जनसंख्या दार्जिलिंग की कितनी थी, और 2011 की बात हो रही है, यानी कलिम्पोंग दार्जिलिंग के अंदर ही था उस वक्त, सिर्फ 18.5 लाख 2011 सेंसस के हिसाब से लगभग 18.5 लाख जनसंख्या थी, तो क्या इतना छोटा राज्य होना चाहिए कि जिसकी जनसंख्या 18.5 लाख हो, वो राज्य अपने आप को सस्टेन कैसे करेगा। यानी उसका जो ज्योग्राफिकल एरिया है बहुत छोटा है, तो दार्जिलिंग जिले का जो ऑफिशियल ज्योग्राफिकल एरिया है वो है सिर्फ 3000 स्क्वायर किलोमीटर। अगर आप इसको लद्दाख से कंपेयर करें जिसमें लेह और कारगिल दोनों हैं, तो उसका है लगभग 60,000 स्क्वायर किलोमीटर। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अक्सर डिस्कस नहीं की जाती इसमें, वो है नेशनल सिक्योरिटी। नेशनल सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है। देखिए, ये एरिया कितना संवेदनशील है आप इससे समझ सकते हैं। हम बात कर रहे हैं इस एरिया की जिसे हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर बोलते हैं, चिकन नेक ऑफ इंडिया कहा जाता है इसे, चिकन नेक ऑफ इंडिया। तो अगर यहाँ पे हमने एक राज्य बना दिया गोरखालैंड, ठीक है, और गोरखालैंड में अगर कोई कल को प्रॉब्लम हो जाती है तो हम पूरा नॉर्थ ईस्ट खोने के खतरे में हैं, क्योंकि यही बस एक रास्ता है जो हमें पूरे नॉर्थ ईस्ट से जोड़ता है, और ये बिल्कुल क्रूशियल लोकेशन जो इसकी है वो नेशनल सिक्योरिटी को डिटरमाइन करती है। तो हमें नेशनल सिक्योरिटी में काफ़ी बड़ा ये रिस्क इसे माना जाता है। लेकिन जो लोग गोरखालैंड चाहते हैं वो ये कहते हैं कि दार्जिलिंग की भूमि कभी भी आतंकवाद के लिए उसका इस्तेमाल नहीं किया गया। इनफैक्ट गोरखाज जो हैं उन्होंने हमेशा भारत की रक्षा करी है, और बहुत सारे परमवीर चक्र विजेता गोरखा रहे हैं, जैसे मनोज कुमार पांडे, धन सिंह थापा, गुरबचन सिंह सलारिया। इनफैक्ट एक बार सैम मानेकशॉ जो थे उन्होंने कहा था, अगर कोई व्यक्ति मुझसे कहता है कि वो मरने से डरता है तो या तो वो झूठ बोल रहा है या वो गोरखा है। सो ये है पूरा इशू हमारा गोरखालैंड के लिए, जो युद्ध है, जो लड़ाई है, गोरखालैंड की मांग, ये मांग कितनी जायज़ है। मैं चाहता हूँ आप 150 शब्दों में अपने कमेंट्स लिखें नीचे, क्या हमें गोरखालैंड बना देना चाहिए, और अगर गोरखालैंड बन जाए तो जो बाकी मांग आएंगी, बोडोलैंड, विदर्भ, वो कितनी जायज़ होंगी। तो क्या हमें एक ऐसा भारत चाहते हैं जिसमें 1000 राज्य हों? क्या सिर्फ अलग संस्कृति होना, क्या सिर्फ अलग कल्चर होना एक विशेष राज्य बना देने के लिए काफ़ी है? इस पर जो भी आपके विचार हैं, ये ब्लैक और वाइट में नहीं है मुद्दा, काफ़ी ये इसमें वाद विवाद, तर्क वितर्क उनका स्कोप है, तो आप अपने कमेंट्स में लिख सकते हैं 150 शब्दों में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप वॉचिंग स्टडी IQ।